हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम सीखेंगे नंबर एंड न्यूमरेशन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर हम तीन चीज़ों के बारे में जानेंगे, बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर। सो लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स। ये जो बिफोर, बिटवीन एंड आफ्टर है, इस चीज़ को जानने से पहले हमें काउंटिंग नंबर जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। सो मैंने अपने चैनल पर काउंटिंग नंबर की वीडियो अपलोड की है। उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। चलिए आज हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं। देयर आर थ्री शेप्स, यहाँ पर तीन शेप बनाए हुए हैं। हमें पता लगाना है कि कौन सा शेप बिफोर है, बिटवीन है और आफ्टर है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ये जो स्क्वायर शेप है, ये बिफोर है क्योंकि ये शेप सबसे पहले है। और हमारा जो ये सर्कल है, ये बिटवीन में है क्योंकि जो हमारा जो सर्कल है ये इस स्क्वायर शेप से बीच में है, इसलिए हम इसे बिटवीन कहेंगे। और हमारे यहाँ पर जो ट्रायंगल है ये आफ्टर है क्योंकि ये बाद में है, सबसे बाद में, इससे भी और इससे भी। नेक्स्ट है हमारा कलर है, हमारा ये जो ग्रीन कलर है ये बिफोर है क्योंकि ये पहले है। यहाँ पर जो ब्लू कलर है ये बिटवीन में है क्योंकि ये बीच में है, इससे भी बीच में है, इससे भी बीच में है। तो यहाँ पर जो ये रेड कलर है ये आफ्टर में है क्योंकि ये इससे भी बाद में है और ये इससे भी बाद में है। सो राइट द नंबर कम्स बिफोर, बिफोर में हमें जो नंबर आता है उसमें हमें लिखना है। यहाँ पर थ्री है, थ्री के बिफोर क्या आता है, मतलब थ्री के पहले क्या आता है। थ्री के पहले टू आता है तो हम यहाँ पर टू को ऐसे लिख देंगे। यहाँ पर ट्वेंटी है, ट्वेंटी के पहले क्या आता है, नाइनटीन, तो यहाँ पर नाइनटीन लिख देंगे। और ट्वेल्व है, यहाँ ट्वेल्व के पहले क्या आता है, इलेवन, तो हम यहाँ पर इलेवन लिखेंगे। सिक्सटीन के पहले फोर्टीन आता है, नाइनटीन के पहले एटीन, सिक्सटीन के पहले फिफ्टीन, ट्वेंटी थ्री के पहले ट्वेंटी टू, इलेवन के पहले टेन। अब हम अपने आगे बढ़ते हैं। राइट दैट नंबर कम्स बिटवीन, ऐसे नंबर जो बीच में। तो चलिए यहाँ पर हमें बीच में नंबर लिखना है। यहाँ पर वन है और यहाँ पर थ्री, तो वन और थ्री के बीच में कौन सा नंबर आता है, टू। और यहाँ पर सेवन है, नाइन, सेवन और नाइन के बीच में कौन सा नंबर आता है, सेवन, एट, नाइन। एटीन है, ट्वेंटी, इसके बीच में नाइनटीन आता है। थर्टीन, फिफ्टीन, यहाँ पर फोर्टीन रहेगा। फाइव और सेवन, फाइव और सेवन के बीच में सिक्स आता है। टेन और ट्वेल्व, टेन ट्वेल्व के बीच में आता है हमारा इलेवन। टू है, फोर है, तो हम इसको एक और इजी स्टेप से सॉल्व कर सकते हैं। हमें काउंटिंग गिननी है, टू के बाद थ्री आता है, उसके बाद फोर, तो टू थ्री फोर हो गया हमारा। नाइन है, हम यहाँ पर नाइन, इलेवन, नाइन टेन इलेवन, तो हम यहाँ पर टेन लिख देंगे। चलिए हम अपने नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। राइट द नंबर डेट कम्स आफ्टर, यहाँ पर जो नंबर बाद में आते हैं हमें वो लिखने हैं। जैसे टू के बाद क्या आता है, थ्री, टेन के बाद इलेवन, फोर्टीन के बाद फिफ्टीन। इसको भी हम सेम प्रोसेस से करेंगे, इसमें भी हम काउंटिंग नंबर का यूज कर सकते हैं। जैसे एट है, एट के बाद कौन सा नंबर आता है, नाइन, फिफ्टीन के बाद सिक्सटीन, सेवन के बाद एट नंबर आता है, सेवनटीन के बाद एटीन, फाइव के बाद सिक्स, इसी तरह हम इसको भी पूरा कर लेंगे। बिफोर एंड आफ्टर, हमें यहाँ पर बिफोर एंड आफ्टर के बारे में लिखना है। जैसे कि यहाँ पर टेन है, टेन के पहले क्या आता है और टेन के बाद में क्या आता है, हमें ये दोनों लिखना है। तो देखते हैं, टेन के पहले नाइन आता है और टेन के बाद में इलेवन आता है। नाइन टेन इलेवन पूरा हो गया। यहाँ पर फोर आता है और यहाँ पर सिक्स, फोर फाइव सिक्स, ये भी कंप्लीट हो गया। थर्टी नाइन के पहले थर्टी एट आता है और थर्टी नाइन के बाद फोर्टी आता है। और यहाँ पर सिक्सटी वन है, सिक्सटी वन के पहले सिक्सटी, सिक्सटी वन के बाद में सिक्सटी टू, फोर के पहले थ्री और फोर के बाद फाइव, सेवेंटी सेवन के पहले सेवेंटी सिक्स आता है और सेवेंटी सेवन के बाद में सेवेंटी एट, एट्टी टू के पहले एट्टी वन और एट्टी टू के बाद में एट्टी थ्री,
98 के पहले हमारा 97 आता है, और 98 के बाद में 99, 46 के पहले हमारा 45 आता है, और 46 के बाद में हमारा 47 आता है। देखिए यहाँ पर 50 है, 50 के पहले कौन सा नंबर आता है 49, और 50 के बाद में कौन सा नंबर आता है 51। अपने हम अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन बिटवीन यहाँ पर हमें उन नंबर्स को लिखने हैं जो बीच में आते हैं। यहाँ पर हमें इन बिटवीन में लिखना है, जैसे 16 और 18 के बीच में क्या रहता है, 16 और 18 के बीच में 17, 16, 17, 18 ये एक पूरा हो गया हमारा। 24 और 26 के बीच में कौन सा नंबर रहेगा 25, 32 और 34 के बीच में रहेगा हमारा 33, 46 और 48 के बीच में हमारा कौन सा नंबर रहेगा 47, 55 और 57 के बीच में 56, 62 और 64 के बीच में हमारा रहेगा 63, 79 और 81 के बीच में 80। इसको भी हम सेम प्रोसेस काउंटिंग नंबर से भी कर सकते हैं, 68 के बाद कौन सा नंबर आएगा 68, 69, 70। हमें यहाँ पर आफ्टर का तो पता है कि 68 है, पर हमें बिफोर का भी पता है कि 70 है, हमें इन बिटवीन का ढूंढना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 69, यहाँ पर 83 है और यहाँ पर 85, तो 83 और 85 के बीच में आता है हमारा 84, 90 और 92 के बीच में आता है 91। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू।